गाइज आप में से बहुत सारे लोग इस तरह का एडिटिंग इंस्टाग्राम पे देखे होंगे। गाइज इस तरह का एडिटिंग इंस्टाग्राम पे बहुत ही वायरल होता है और ट्रेंडिंग में भी जाता है, और आपको भी कुछ इस तरह का एडिटिंग करना है तो वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज सबसे पहले आपको ये वाला बैकग्राउंड को ओपन करना होगा पिक्सार्ट ऐप के अंदर। इस तरह का बैकग्राउंड मेरा वेबसाइट पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज बैकग्राउंड को बस आपको ओपन करना है पिक्सार्ट ऐप के अंदर और ऐड फोटो का ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो फोटो है उसको ऐड करना होगा। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो इसका बैकग्राउंड मैं पहले से इरेज करके रखा था। और गाइज आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वो वाला वीडियो को देख के आप इजीली आपका फोटो का बैकग्राउंड को HD क्वालिटी पे रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से आपको बस एडजस्ट करना होगा बैकग्राउंड के साथ और यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन पे राइट करना है। उसके बाद गाइज आपको करना होगा ड्रेस के ऊपर कलर, ठीक है। ड्रेस के ऊपर कलर करने के लिए फिर से आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना होगा। और गाइज ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हो कि बैकग्राउंड का ऑप्शन है। गाइज यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे बहुत सारा कलर्स खुल जाएगा। और गाइज आपको जो कलर का ड्रेस चाहिए आपको बस रख देना है, ठीक है। तो मैं ग्रीन कलर का सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कुछ इस टाइप से ड्रेस के ऊपर आपको रखना होगा। और यहाँ पे आप लोगों को साइड पे ब्लेंड पे क्लिक करके आपको कर लेना होगा मल्टीप्लाई। इतना करने के बाद गाइज आप लोगों को क्या करना होगा, साइड पे इरेजर पे क्लिक करना होगा, आपको करना होगा इनवर्ट। इनवर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से ब्रश करना होगा ड्रेस के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। तो गाइज कुछ ही स्टेप से ड्रेस के ऊपर बस कलर करना होगा और ऊपर राइट वाला ऑप्शन पे आपको राइट कर देना है, ठीक है। और गाइज देख सकते हो फोटो बिफोर एंड आफ्टर अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद गाइज आपको करना होगा हेयर को थोड़ा सा एडिट। हेयर को एडिट करने के लिए आपको सिंपली ऐड फोटो का ऑप्शन पे क्लिक करके एक हेयर PNG को आपको ऐड करना होगा। और बहुत सारा हेयर PNG का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया हूँ, आपको डाउनलोड करना है तो मेरा वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड इजिली कर सकते हो। और गाइज ये वाला हेयर PNG को ऐड करने के बाद आपको बस कुछ इस टाइप से एडजस्ट करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको कुछ गलती हो जाता है तो आपको एडजस्ट करना होगा, ठीक है। इरेजर पे आपको क्लिक करना है और हार्डनेस को आपको थोड़ा सा कम करके जहाँ जहाँ पे आपको नहीं चाहिए आपको ऐसे इरेज करना होगा। ठीक है गाइज इतना करने के बाद गाइज आप बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो। और सनग्लास के ऊपर आप बैकग्राउंड को ऐड करना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको ऐड फोटो पे क्लिक करके एक बैकग्राउंड को ऐड करना होगा। और गाइज ये वाला बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद गाइज आपको बस सनग्लास के ऊपर ऐसे लगाना होगा और साइड पे आपको इरेजर पे क्लिक करके आपको इन्वर्ट करना है, ठीक है। और सनग्लास के ऊपर आपको कुछ इस टाइप से चलाना होगा। तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर देता हूँ। गाइज कुछ इस टाइप से आपको कलर करना होगा सनग्लास के ऊपर। और इसका कलर को आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहां से वो भी कर सकते हो, ठीक है। एडजस्ट पे आपको क्लिक करना होगा और आपको ह्यू पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जो कलर आप रखना चाहते हो भाई आप रख सकते हो। तो मैं आपको थंबनेल में भाई ऐसा कलर दिखाया था तो मुझे यहाँ पे अभी एडिट करते वक्त भाई ये वाला कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये वाला येलो कलर भी बोल सकते हो, ऑरेंज कलर भी बोल सकते हो, तो भाई मैं ये वाला कलर को देता हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। गाइज इसके बाद थोड़ा सा फेस को गोरा करना होगा। फेस को गोरा करने के लिए आपको यहाँ पे रिटच पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड करना होगा और आपको स्किन टोन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे गाइज जैसे क्लिक करोगे फर्स्ट वाला यहाँ पे ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, ठीक है। और देख सकते हो ऑटो पे क्लिक करने के बाद फेस मतलब HD क्वालिटी पे गोरा हो जाएगा। देख सकते हो पहले ऐसा था अब ऐसा है, तो थोड़ा सा कम करते हैं इतना और उसके बाद आपको डन करना है, ठीक है। और इसके बाद गाइज आप लोगों को ऑयल पेंट इफेक्ट को ऐड करना होगा। ऑयल पेंट इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको एफेक्ट्स पे जाना होगा और यहाँ पे देख सकते हो आर्टिस्टिक का ऑप्शन पे क्लिक करना है। आर्टिस्टिक पे क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन पे करना होगा क्लिक, ठीक है। इसका अमाउंट को आपको 15 रखना है इतना। और उसके बाद इरेजर पे क्लिक करके आपको इन्वर्ट करना है, ठीक है। और हेयर के ऊपर बस आपको चलाना होगा। और गाइज अभी फोटो को देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और फोटो को और भी अच्छा बनाने के लिए और एक काम आपको करना होगा, ऐड फोटो पे क्लिक करके और एक PNG को ऐड करना होगा। गाइज ये वाला PNG को ऐड करने के बाद आपको सिंपली साइड पे आपको क्या करना होगा, ब्लेंड पे क्लिक करके इसको करना होगा स्क्रीन और कुछ इस टाइप से ऐसे लगाना होगा, ठीक है।
इसका ओपेसिटी आप थोड़ा सा कम कर देना, फोटो बहुत ही बढ़िया लगेगा। और गाइस देख सकते हो फोटो एकदम बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ठीक है, एकदम मतलब क्या ही बोले, एकदम अमेजिंग फोटो एडिटिंग है। तो यहाँ पे हम लोगों को फोटो को करना होगा सेव, और फोटो को करना होगा ड्रॉ टूल पे क्लिक करके सेव करना है, और फोटो को सेव करने के बाद फोटो को लेकर जाना होगा ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर। गाइस फोटो को ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको फेस को करना होगा स्मूथ। फेस को स्मूथ करने के लिए आपको पेंसिल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों को ये वाला ब्रश को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद गाइस ऊपर देख सकते हो सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और साइज को आपको इतना ही रखना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और कट करना है, और फोटो को जूम करके आपको कुछ इस टाइप से फेस को करना होगा स्मूथ, ठीक है। देख सकते हो गाइस फेस स्मूथ हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस देख सकते हो आपको कुछ इस टाइप से फेस को स्मूथ करना होगा। और गाइस फोटो बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो, फोटो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, फोटो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे आपको फोटो को सेव करना होगा, फोटो को सेव करने के लिए आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, आपको शेयर पे क्लिक करना होगा, शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको सेव टू डिवाइस पे क्लिक करना है। और गाइज इस तरह का एडिटिंग आप और भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं गाइज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।